चीन को लेकर एक बड़ी खबर यह भी है कि अपनी छवि को सुधारने के लिए चीन की नई रणनीति सामने आ रही है। अब अफ्रीकी देशों को कर्ज में छूट देगा चीन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए कर्ज में छूट देने की तैयारी है। यानी ये जो कर्ज का जाल है, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो माया जाल है, ये जो कुचक्र है, ये चीन कहां कहां तक फैला रहा है, अब अफ्रीका के छोटे छोटे देश भी उसकी जद में है। बिल्कुल, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने की जुगत में लगा हुआ है, किस तरह से अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसीज को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, इससे दुनिया वाकिफ है। लेकिन चीन की यह स्ट्रैटेजी रही है कि जो गरीब मुल्क हैं, जो कंगाल मुल्क हैं, उनको लोन दिया जाए और लोन के जरिए, कर्जे के जरिए धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा जमा लिया जाए। लेकिन अब तो चीन की इस चालबाजी के बारे में हर कोई वाकिफ है, फिर भी देश कैसे चीन के झांसे में आ रहे हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जिन अफ्रीकी देशों पर चीन का कर्ज है उनकी देखिए लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प जानकारी हम आपके लिए लेकर आए। एंगोला 1.87 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, जो छोटे छोटे मुल्क हैं उन तक कैसे चीन पहुंच रहा है और उन्हें कैसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश में है, ये नजर आता है। इथोपिया करीब 1 लाख करोड़, जाम्बिया 55,000 करोड़, कांगो भी 55,000 करोड़ का कर्जा इस वक्त लिए बैठा है चीन का। इसके अलावा उत्तरी सूडान 48,000 करोड़ का उत्तरी सूडान पर भी कर्जा है। कोचर साहब, इस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? आपने बात की अर्थव्यवस्था की, लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये छोटे छोटे मुल्क चीन की जद में आते हुए नजर आ रहे हैं और चीन इन्हें कर्जे तले दबाने की कोशिश कर रहा है, क्या मंशा नजर आती है? क्योंकि अभी जिन छोटे छोटे मुल्कों का हमने जिक्र किया, उन पर अपने कब्जे को आगे बढ़ाना इस तरह के कर्जे के जरिए, मंशा क्या नजर आती है एग्जैक्ट चाइना की? विस्तारवाद बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस जो हम जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, चाइना एक विस्तारवाद नीति के तहत लगातार काम करता रहा है। पिछले 70 सालों में उसने, वो तिब्बत हो या हांगकांग हो या उनके अपने तुर्कमेनिस्तान की तरफ का जो एरिया है वो ईस्ट की तरफ देखते हैं, वो ये सब मामलों में अपने को चाहते हैं कि विस्तारवाद नीति पे चलें, और इसलिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं और अब वो एक्सपेडिशनरी फोर्सेज के रूप में अपने को सी में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जहां तक मैं कहूं, अभी हमारे को पैनलिस्ट कोचर साहब बता रहे थे कि ताइवान और यूक्रेन को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। इसका सबसे पहला रीजन यह है कि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके पार्ट था ये हमारा यूक्रेन, और वो उसकी आहट, नाटो की आहट के कारण उसके ऊपर उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन किया है। लेकिन ताइवान पे जो अटैक होगा वो स्टेपिंग स्टोन होगा एक्सपेडिशन का, जो पैसिफिक के ऊपर आगे जो उनकी फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस है, फिलीपींस से लेकर ऊपर जापान तक पूरा अमेरिका प्रभावित होगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना ताइवान पे अपना स्टेपिंग स्टोन करे और वहां से पूरी पैसिफिक पर नजर जमाए, तो इसलिए वो रोकेगा ताइवान के ऊपर आके। कि वही रोक दे, यही हो रहा है ना कि यहां पर सिलेक्टिवली या कॉन्शियसली चीन को अपने फैसलों में कुछ ऐसा बदलाव जरूर लाना होगा, क्योंकि अगर चीन के खिलाफ यूएस ने अपनी रणनीति बदली तो जाहिर सी बात है दबाव की स्थिति चीन पर ही होगी। देखिए, अभी अगर आप चाइना का ट्रेड इम्बैलेंस देखें बाकी कंट्रीज के साथ, आप इंडिया को ही देख लीजिए, इंडिया का इतना ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के साथ लद्दाख के बावजूद, और ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी लागू रखता है बिकॉज चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में काफ़ी ट्रेड है और यूनाइटेड स्टेट्स अफेक्ट होता है उस ट्रेड से अगर चाइना इसके ऊपर एक्शन लेता है, तो चाइना को आने वाले वक्त में अपनी रणनीति में बदलाव लाना ही पड़ेगा बिकॉज उसके ऊपर इतना प्रेशर आएगा यूनाइटेड स्टेट्स का, बाकी देशों का, और हो सकता है कि रशिया का भी प्रेशर आए आने वाले वक्त में बिकॉज रशियन इकोनॉमी भी अल्टीमेटली कोई भी सैंक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकता इस हालात में, क्योंकि यहां पर ट्रेड बहुत मायने रखता है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।